हे फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं सिद्धार्थ लैब और आप लोगों के लिए एक और बहुत बढ़िया खुशखबरी आ गई है। आईआईटी बीएचयू की शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट रिलीज हो गई है। यहां पर क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब आप लोग ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ आईआईटी बीएचयू रिलीज। अब देखते हैं किन किन ब्रांचों की यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट आ गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, सिरेमिक, इसके साथ साथ अभी केमिकल की आ गई है, सिविल की नहीं आई है, इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस की अभी नहीं आई है, इलेक्ट्रिकल की आ गई है, इसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आ गई है, डिसीजन साइंस की आ गई है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग की शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आ गई है। मतलब बहुत ही ज्यादा लोग डिस्कोर में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उन सबको भी शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि शॉर्टलिस्ट का मतलब ये है कि उनका सिलेक्शन हो गया है आगे के फर्दर राउंड्स के लिए। ऐसा नहीं है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आईआईटी बीएचयू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किस बेसिस पर निकालता है, उसके आगे का क्या प्रोसीजर रहता है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है अभी तक अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया तो मैंने टेलीग्राम पे मैं सारी लिस्ट भेज दे रहा हूं। इसके साथ साथ जो लिंक है उसको भी मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दे रहा हूं। तो आप समझिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट क्या होता है। आईआईटी बीएचयू में जो भी लोग फॉर्म भरते हैं और जो भी कोई भी एरर नहीं करता है फॉर्म भरने में, उन सारे बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। शॉर्टलिस्ट का मतलब ये होता है कि इन सारे बच्चों को जो आने वाले कोप के राउंड है इनमें मौका दिया जाएगा, इन बच्चों को एलिजिबल माना जा रहा है कोप के राउंड्स के लिए। अब क्या होगा, जब कोप का राउंड वन रिलीज होगा उससे दो दिन पहले ही अपनी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को रिलीज कर देंगे। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट जैसे 20 की सीट है तो 20 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी कुछ 10 बच्चे बेटिंग में चले जाएंगे, बाकी सारे बच्चे नीचे रहेंगे शॉर्टलिस्टेड में। उसके बाद अगर 20 में से अगर कोई सीट नहीं लेता है तो उन 20 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट को सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट के लिए ऊपर बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है। शॉर्टलिस्ट का मतलब अब भी आप ये मत समझिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया आईआईटी बीएचयू के लिए। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का सिर्फ ये मतलब है कि आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो आईआईटी बीएचयू के अंदर। इसके साथ साथ बता दूं आईआईटी बीएचयू में कुछ ब्रांचेस में यहाँ पर इंटरव्यू होगा, कुछ ब्रांचेस में इंटरव्यू नहीं होगा। इसके साथ साथ मैंने आईआईटी बीएचयू के डिसीजन साइंस एंड इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, आपको थंबनेल दिख रहा होगा तो आप इस थंबनेल को फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आईआईटी बीएचयू बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर जो भी ब्रांचों के लिए इंटरव्यू कॉल आता है, अगर इंटरव्यू कॉल की आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे से आके इंस्टाग्राम में ले सकते हो। जो भी लिंक्स वगैरह उन्हें मैं फेसबुक पर और टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूं तो उन्हें भी ज्वाइन कर लो, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में। और थैंक यू, बने रहो। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने एक नया चैनल खोला है, मस्कुलर बॉय ब्लॉग्स, प्लीज यार प्यार दे दो। वो नया चैनल खोला है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, दो वीडियो पे उन लोगों ने 2-3 हजार व्यूज पहुंचा दिया। तो आप लोग मतलब एक बार चैनल पे जाइए, एक बार अपना प्यार देके चैनल दिखाइए। नमस्कार।